हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तरतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की ऐसी सब्जी कि जो आपकी उंगलियां चाटने पे मजबूर कर दे। सच में भिंडी सबको पसंद आती है, लेकिन आज हम जो सब्जी बनाने जा रहे हैं वो है भिंडी आलू और ऑनियन की सब्जी। एकदम ही टेस्टी और बहुत ही टेम्पटिंग। तो आइए बनाते हैं भिंडी की सब्जी। मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है, दो मीडियम साइज के ऑनियन लिए हैं और दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अब देख सकते हैं सबको मैंने लंबा लंबा काटा है। अगर आप भिंडी को गोल शेप में काटते हो तो आलू और ऑनियन के छोटे छोटे पीसेस करिए। अगर भिंडी को लंबे शेप में काटते हो तो आलू और ऑनियन के लंबे पीसेस करिए। भिंडी को लंबा काटने में ये चिकट नहीं होगा ज्यादा। अगर छोटा छोटा काटा, बारीक बारीक काटा, तो वो थोड़ा चिकट जल्दी हो जाता है सब्जी। अगर लंबे शेप में काटते हैं तो वो चिकट नहीं होता है, इसीलिए मैं लंबा शेप ज्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके साथ लिया है मैंने तड़के के लिए हींग और राई, सूखे मसाले हैं धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और है लाल लहसुन, लाल मिर्च के साथ कुटा हुआ लहसुन का चटनी, नमक और थोड़ा सा मेथी। सबसे पहले हम नॉनस्टिक पैन में तेल डालेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे मेथी। अराउंड 3 टेबलस्पून जितना ऑयल लेना है हमें। और भिंडी की सब्जी में मेथी की अरोमा बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए हम तड़के में मेथी डालते हैं। लेकिन कोई घर में मेथी पसंद नहीं आती, या तो बच्चों को भी दाने मुंह में आए वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं खाली अरोमा, मेथी का अरोमा वाला ऑयल यूज करूंगी। तो ऐड करते हैं मेथी। मेथी को हम अच्छे से भून लेंगे। अराउंड 2 से 3 मिनट में, 3 सेकेंड्स में मेथी अच्छे से भून जाएगी और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस जैसे ही उसका कलर चेंज होता है हम मेथी को निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। हल्के से सारी मेथी हम बाहर निकाल लेंगे। और अगर आपके घर में पसंद है मेथी दाना खाना तो आप ऐसे ही ऐड भी कर सकते हैं। सारी मेथी निकालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई का। अच्छे से राई फूटते हैं, उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑनियन। राई फूटने के बाद थोड़ा सा हींग ऐड करके उसके अंदर ऐड करते हैं ऑनियन। अच्छे से भून गया होगा और थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा, तभी हम ऐड करेंगे लहसुन का चटनी। 1 चम्मच लहसुन का चटनी लिया है मैंने। लहसुन का चटनी ऐड होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। आलू को ऐड करने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद हम ऐड करेंगे भिंडी, ताकि आलू को जो धोया हुआ रहता है उसका जो पानी रहेगा वो एक बार निकल जाए। अभी हम ऐड करते हैं भिंडी। और फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी हमें ओपन ही पकाना है, उसे खुला ही रखना है, उसे ढकना नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे नमक हम सबसे पहले नहीं डालेंगे। जब भी हमारा भिंडी हाफ कुक हो जाए उसके बाद ही इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, ताकि जो ज़्यादा मॉइस्चर होने से वो भिंडी का सब्जी चिकट होता है वो भी ना हो और एकदम खिला खिला भिंडी के सब्जी बने हमारा। ये रूल हमेशा ध्यान रखना है भिंडी की सब्जी बनाने के समय, आप नमक पहले मत ऐड कीजिए। अराउंड 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं अच्छे से जो भिंडी है वो एकदम ही खिल
ढीली हो गई है, उसके अंदर जो चिकटपना है वो काफ़ी कम हो गया है। तो बस अभी हम ऐड करेंगे उसके अंदर नमक और हल्दी, हाफ चम्मच हल्दी और एक चौथाई चम्मच नमक, और फिर वापस इसे कुक करना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। दूसरा 5 मिनट भी हो गया है और आप देख सकते हैं एकदम ही कुक हो गया है, हाफ कुक हो गया है। आलू अभी हमारा पूरा कुक नहीं हुआ है, तो जब तक हमारा आलू नहीं कुक होता है तब तक हमें ऐसे ही थोड़ा मिक्स करते हुए चलाते हुए इसे कुक करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमारा ऑयल जो है वो भी रिलीज हो गया है और सब्जी भी अच्छे से कुक हो गई है। तो बस लास्ट में ऐड करते हैं हम धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हम लास्ट में ऐड करते हैं ताकि वो जल ना जाए, इसीलिए अराउंड 3 छोटे चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर और 1.5 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही इसे कुक करना है। धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जो है हमारा वो कुक हो जाए और अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, तो रेडी है हमारी सब्जी, भिंडी आलू और अनियन की एकदम ही इजी सब्जी, बहुत ही कम मसाले के साथ बनी हुई और एकदम ही टेस्टी। बहुत मजा आएगा खाने का आपको, रोटी के साथ, सब्जी के साथ या तो फिर सिंपल खिचड़ी के साथ। एंजॉय कीजिए ये सब्जी, देखते रहिए मेरा चैनल तरतीस रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।